यहाँ कोई पैसा नहीं है। क्या हो रहा है? कैसा शोर है ये? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? सर, पैसा मांग रहे हैं। देखो, यहाँ पर पैसे नहीं है। किसी की जान मत ले, मैं बताता हूँ पैसे का। आओ मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ। अरे उसको क्यों बुला रहे हो? मैं चल रहा हूँ ना साथ में, मैं बताता हूँ तुम्हें, चलो। इसे कैसे पता कि वॉल्ट दो चाबियों से खुलता है?
लोग ठीक तो है? हम लोग ठीक हैं, लेकिन इसे किसी ने गोली मार दी। सर ये जिंदा है या मर चुका है? मंकी मैन ने गोली मार दी है इसको। है कौन ये? पता नहीं, बैंक का स्टाफ तो नहीं है और ना ही कोई कस्टमर लग रहा है। एग्जिट ढूंढना है, गोली आर पार हो गई है। गोली शरीर से बाहर निकली है तो यहीं कहीं होनी चाहिए आसपास पॉट में। देखो जरा, सर इसकी जेब में तो कुछ नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। तो आप लोगों को पता नहीं कौन है आदमी? सर हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे कि ये सब क्या हो गया। सर हमें तो बस इतना पता है कि मंकी मैन ने इसे गोली मार दी। मंकी मैन? हाँ सर, आपको याद है वो वाली खबर? एक आदमी सड़क पर लोगों का खून करता था, उसे लोग मंकी मैन कहते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था सर। क्या? हाँ सर, और उसके बाद वो हम तीनों को गन पॉइंट पे बंधक बनाकर यहाँ ले आया। तो ये आदमी उस मंकी मैन के साथ आया था क्या? नहीं सर, मंकी मैन तो अकेला आया था, उसके साथ कोई भी नहीं था। सर उसने हमसे वॉल्ट खुलवाया और चेहरा दीवार की तरफ करवा के घुटनों के बल बिठा दिया। सर हम लोग गोली की आवाज़ सुनकर बहुत डर गए थे कि पता नहीं उसने किस पर और क्यों गोली चलाई। और सर हम लोग मुड़ के भी नहीं देख पाए कि कहीं वो हमें गोली ना मार दे। कुछ देर बाद जब बाहर से लोगों के चलने की आवाजें आईं, तो हमने मुड़कर देखा सर। तो ये आदमी मरा पड़ा था और मंकी मैन गायब था। फिर वही सवाल, ये आदमी आया कहां से? सर हमें कैसे पता चलता? हम लोग तो दीवार की तरफ मुंह करके वहां पर बैठे हुए थे। एक मंकी मैन बैंक में घुसता है, वो बैंक लूटता है, एक आदमी को गोली मार देता है जो पता नहीं कहां से इस वॉल्ट रूम में पाया जाता है। हा? हमें सच में नहीं पता सर ये सब कैसे हो गया। अरे तो क्या आसमान से आया ये आदमी? कहीं से तो आया होगा ना। ये वॉल्ट रूम बंद था, कोई दूसरा आदमी अंदर घुस नहीं सकता, तो ये क्या किसी की जेब से गिरा नीचे? सर हमें सही में नहीं पता कैसे आया वो सर। क्या ये मरा हुआ आदमी पहले से तो अंदर नहीं था? हो सकता है, या बाहर कोई छुपने की जगह तो दिख नहीं रही। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको वॉर्ड रूम के अंदर बंद कर दूं तो आप कितनी देर तक अंदर जिंदा रहेंगे? पता नहीं सर। सर मैं एक बार वॉर्ड में बंद हो गया था, 15 मिनट में मेरा दम घुट गया था सर वहां पर। 15 मिनट? जी सर। सर मैं वहां से चिल्लाया भी था, बहुत चीखा था, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। वो तो सिर्फ मैनेजर सर को याद आया कि मैं बाहर निकला नहीं। वो अंदर आए, उन्होंने चाबी से वॉल्ट खोला, वरना मैं मर जाता सर वहां पर। अच्छा, अगर ये आदमी वॉल्ट के अंदर था तो जिंदा कैसे रहा? और वॉल्ट की चाबी तो आप दोनों के पास रहती है ना, इसके पास कहां से आ गई? सर आप दोनों भी मिले हुए तो नहीं है इस खेल में? नहीं सर, सर हम लोग निर्दोष हैं सर। सर हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता है सर। आपके बैंक में एक आदमी का खून हो गया, करोड़ों रुपए की चोरी हो गई, इतना सब कुछ हो गया और आपको कुछ पता नहीं? सर एक हैरानी की बात है, मंकी मैन को यह पता था कि ये वॉल्ट हम दोनों की चाबी से ही खुलता है, और उसको यह भी पता था चाबी हमेशा हमारे पास रहती है। क्या? हाँ सर। लगता है कोई अंदर वाला है, उसकी मदद कर रहा था। सर मुझे तो लगता है इस वॉल्ट रूम में कोई खुफिया रास्ता है। हो सकता है, जरा चेक करो कोई खोखली दीवार है के अंदर, देखो। सो, पूरा वॉल्ट अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन गोली कहीं नहीं मिली। गोली नहीं है? नहीं सर। ये क्या चक्कर है? गोली गायब है, ये इस आदमी का पता नहीं है। मंकी मैन ने इसे गोली मारी क्यों? है कौन है मंकी मैन? बाहर जाके इस मंकी मैन के बारे में पता करते हैं, किसी ने उसे देखा है या फिर कुछ जानता है क्या। चलो Thank you.
ये रोड बैंक के ठीक सामने है। अगर वो मंकी मैन बैंक से निकल के बाहर भागा है तो किसी ने तो जरूर देखा होगा उसे। हाँ सर, जैसे उसका हुलिया है वो किसी की नजरों से बच तो नहीं सकता। सर, इस कंपाउंड में कोई वॉचमैन भी नहीं है, अगर होता तो कुछ हमारी मदद कर सकता था। इन दुकानदारों से और इन ऑटो वालों से पूछते हैं, देखते किसी ने उसे देखा है क्या। मैंने ऐसा किसी आदमी को नहीं देखा। आप यहाँ कब से हो? सुबह से सवारी के इंतजार में हो साहब, एक भी सवारी नहीं मिली, पता नहीं कौन था, कहाँ चले गए। अगर ऐसा अजीब आदमी बैंक से निकलता तो दिखाई तो देता ही, और उस आदमी की हिम्मत तो देखिए, उस आदमी ने बैंक में घुसकर गोली मार दी। आप सिर्फ इतना बताइए, आपने ऐसे किसी आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं मैडम जी, मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। सर यहाँ आस पास सबसे पूछताछ कर ली है, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। सर कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। हाँ सर, उस आदमी को किसी ने भी जाते हुए नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी बैंक से निकल के तो रोड पे ही आया होगा ना, अचानक कहाँ गायब हो सकता है? सर पहले ही एक पहेली थी कि वो मरा हुआ आदमी वॉल्ट रूम में कैसे घुसा, और ये मंकी मैन ये पता नहीं किस जादू से गायब हो गया। शायद तुम सही कह रही हो, उसने जादू जैसा ही कुछ दिमाग लगाया गायब होने में। देखते हैं कौन सा जादू है। मुझे नहीं लगता कि वॉल्ट रूम में कोई खुफिया रास्ता है। सर मैंने सीसीटीवी फुटेजेस चेक की है, पता चल गया वो आदमी वॉल्ट के अंदर कैसे घुसा था। कैसे? ये देखिए। तो ऐसे गया वो आदमी वॉल्ट के अंदर। हाँ सर, लूट के तकरीबन आधा घंटा पहले ही अंदर आया, हलचल का फायदा उठाकर। स्टाफ से पूछते हैं आधे घंटे पहले क्या हुआ था यहाँ पे। सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो किस तरह के जादू से गायब हुआ होगा। निखिल मैं असली जादू की बात नहीं कर रहा था, हो सकता है वो आदमी बैंक से बाहर आया हो मगर रोड तो पहुंचा ही नहीं हो। जरा इस कंपाउंड को अच्छी तरह से छानते हैं। लोगों का कहना है कि वो बोलता बहुत कम है, सिर्फ घुर्राता है, जरूरत ना पड़े तो गोली नहीं चलाना, मगर हाँ सावधान रहना। सर ऊपर आ जाओ। ओके सर। सर ये तो यही है वो जादू जिससे वो मंकी मैन गायब हो गया। सर मतलब वो मंकी मैन नहीं था, उसने भेस बदला था। हाँ, उसे ये दाढ़ी बाल और ये चोला निकाल कर यहाँ पे फेंक दिया, और इसीलिए बाहर उसके बारे में लोग कुछ बता नहीं पा रहे थे, और शायद उनसे गोली भी लगी। सर लेकिन लोगों ने तो एक ही गोली चलने की आवाज सुनी,
जो इसने वॉल्ट रूम वाले आदमी को मारे थे, फिर इसे गोली कैसे लगी? उसके गायब होने की पहले सुलझने की एक और पहले सामने आ गई कि उसे गोली किसने मारी और अब वो गायब कहाँ हो गया और वॉल्ट रूम में मरने वाले आदमी के साथ उसका क्या लेना देना है। लूट के एक घंटे पहले यहाँ पे कुछ हलचल हुई थी क्या? हलचल? और यहाँ? हाँ, वो फुटेज में नहीं दिखा क्योंकि ऑफ कैमरा था, लेकिन कुछ तो हुआ था यहाँ पे। देखिए, हमने बैंक के सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस चेक किए, जहां पर भी ये सब कुछ हुआ था वहां कोई कैमरा ही नहीं था। हमें बस इतना पता चला है कि सब लोग उस तरफ देखते हुए भागे। याद है किसी को कुछ क्या हुआ था? सर, अगर ऐसी कोई घटना हुई भी थी तो उसका इस लूट से क्या संबंध है? संबंध है, ऐसा लगता है सब कुछ जानबूझकर किया गया था ताकि लोगों का ध्यान बटे और वो आदमी वॉल्ट में जाके छिप सके। लेकिन सर, वॉल्ट रूम में कोई कैसे जा सकता है, क्योंकि वहां तो हम लोग काफी बार आए और गए लेकिन वहां पे तो कोई भी नहीं था। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां छिपा था वो। तो किसी को कुछ याद है क्या हुआ था? सर, एक औरत बेहोश होकर गिर पड़ी थी। कौन है वो औरत, कहां है? सर, यहाँ तो नहीं है, शायद लूट के पहले ही चली गई। क्या वो इस बैंक की कस्टमर थी? नहीं मैम, नया अकाउंट के बारे में पूछताछ कर रही थी। ओह, सोची समझी प्लानिंग थी। वो बेहोश हुई, उसे देखने में सब लग गया, उसका फायदा उठाकर वो आदमी अंदर जाकर छिप गया। तो उसकी फोटो निकालो सीसीटीवी फुटेज से, पता करो उसके बारे में, जरूर वो मंकी मैन से मिली हुई होगी। सर, आप चलिए मेरे साथ। सर, उन्होंने वॉल्ट रूम वाले आदमी को मारा क्यों? प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई होगी इसलिए मार दिया उसको। देखते हैं दया को क्या पता चलता है उस मंकी मैन के बारे में। सर, फिर ये देखिए खून। सर, खून के निशान तो इस पीछे वाले गेट की तरफ आए हैं। वो आदमी इस पीछे वाले गेट से बाहर निकला है, इसलिए सामने वाले गेट पे किसी ने से बाहर जाते हुए देखा नहीं। चलो देखते हैं ये निशान कहां तक जाता है। सर, खून की बूंदे तो यहाँ पर खत्म हो गए। मतलब वो आदमी यहाँ से किसी गाड़ी में गया होगा, किसी बाइक पे या फिर रिक्शा में। रिक्शा स्टैंड इनसे पूछ लेते हैं। आप कहाँ जाना है? नहीं, कहीं जाना नहीं है, आपसे कुछ बात जाननी थी। बोलिए सर। ये बताओ कि 11 और 12 बजे के बीच में आप लोगों ने इस बैंक के पीछे वाले गेट से किसी को बाहर निकलते हुए देखा? नहीं साहब, हम लोग तो अभी आए स्टैंड पे, और ये आता जाता रास्ता है, कोई भी आया होगा गया होगा पता नहीं। सर, मतलब वो किसी ऑटो में बैठकर निकल गया? ऐसे लगता है। अच्छा, हमें आप लोगों की मदद चाहिए। बोलिए सर। और हम जानते हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोगों का नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे जितने भी रिक्शा चलाने वाले हैं उनमें ये बात फैला दो और पता करो 11 और 12 बजे के बीच उनमें से किसी ने भी इस गेट से किसी सवारी को उठाया था। बिल्कुल सर। हाँ सर। और एक बात याद रखना, उस आदमी को गोली लगी, वो घायल है और उसका खून बह रहा है। साहब, अगर उसका खून बह रहा तो ऑटो में जरूर गिरा होगा। बिल्कुल, लग जाओ काम पे। ठीक है सर। थैंक यू। हाँ, ठीक है, हो जाएगा।
हो जाएगा ना? ठीक है तो बताओ। भाई लोगों, आप लोग वही हो ना जो CID की मदद कर रहे हैं? हाँ, आपको कुछ पता है क्या उस आदमी के बारे में जिसने सामने बैंक से ऑटो पकड़ा? पता क्या भाई, उस आदमी को मैंने ही अपने ऑटो में बैठाया था, सारा ऑटो खून खून कर दिया, अब 150 रुपए की मुर्गी और 500 रुपए का मसाला खर्चा हो गया। हाँ, लेकिन उस आदमी को छोड़ा कहाँ पे? मैंने उसको सिटी हॉस्पिटल में छोड़ा है। सिटी हॉस्पिटल? सर, श्रेया ने उस लेडी का फोटो भेजा है जिसने बेहोश होने का नाटक किया था, और शायद इस प्लान में शामिल है। ये तो वो मंकी मैन ही बताएगा कि कौन है वो। सर, उस आदमी ने अपना हुलिया चेंज कर लिया था, उसे पहचानेंगे कैसे? गोली लगी उसे, पहचान में आना चाहिए। एक्सक्यूज मी, या? 2 घंटे पहले यहाँ पर कोई एडमिट हुआ था, चोट लगी है उसे। 1 मिनट। 3 लोग आए थे जिसमें से एक औरत है जिसे गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, और 2 बच्चे हैं जो पतंग उड़ाते वक्त टेरेस से गिर गए थे। नहीं नहीं, औरत या बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, आदमी की बात कर रहे हैं हम लोग। नो सर, 2 घंटे पहले यहाँ पे कोई भी आदमी एडमिट नहीं हुआ है। ये कैसे हो सकता है? सर, उस ऑटो ड्राइवर राजू ने तो बताया था कि उसने उस आदमी को इसी हॉस्पिटल में छोड़ा था। हो सकता है वो अपना इलाज कराने नहीं आया, किसी और काम से आया हो यहाँ पे। एक मिनट, 2 घंटे पहले कोई आदमी आया था किसी और को एडमिट कराने के लिए, हो सकता है वो उसके परिवार वाला कोई हो या फिर उसका दोस्त, बहुत परेशान होगा वो आदमी। यस सर, मिस्टर अंकुश आए थे। मिस्टर अंकुश? जी, उनके बच्चे का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, और आज आकर ही वो पैसे देकर गए। पैसे दे गए? जी मैम, लगभग 2 घंटे पहले, और काफी परेशान दिखाई दे रहे थे वो। कहाँ मिलेंगे अंकुश? भी तो डॉक्टर पीयूष के साथ होंगे, वो रहे, वो उनकी वाइफ। थैंक यू डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बेटे का ऑपरेशन कीजिए, मैंने पैसे भर दिए रिसेप्शन पे, प्लीज। अंकुश। हाँ जी। हम लोग CID से, तुमसे कुछ बात करनी थी अंकुश, या मंकी मैन कहना सही रहेगा? आपके पति मुजरिम है। ठीक है, आपके पति से पूछते हैं। अंकुश, अपने पत्नी को बता कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। सर प्लीज, सर सर ऑपरेशन मत रुकवाइए सर, सर मेरा बेटा, मेरा बेटा मर जाएगा सर, मेरा बेटा। सर प्लीज मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाने दीजिए, चाहे तो बाद में आप मेरी जान ले लीजिए, ऐसे बहुत देर हो चुकी है, मेरे बेटा मर जाएगा सर, मर जाएगा मेरा बेटा। कितने पैसे दिए अंकुश ने? 1 लाख पहले ही भर दिया था, बाकी के बचे 50,000 अभी जमा कर दिए। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, वो पैसे लौटा दीजिए, चोरी के पैसे हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मत करना, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए ना, शुरू ऑपरेशन। ठीक है सर, पैसा लौटा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन? डॉक्टर आ जाओ, मेरे बेटे का ऑपरेशन रुकवा दिया ना तो मैं खुद को मार डालूंगा, मेरे बेटे की सांसें रुक जाएगी, ऑपरेशन कीजिएगा डॉक्टर साहब, बच्चे का इलाज होगा, पैसे CID देगी। चलिए डॉक्टर साहब, इलाज का तैयारी करवाए। ओके सर। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया किस लिए? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे बेटे के लिए किया। गोली कहाँ लगी? शर्ट खोल, गोली लगी है ना, शर्ट खोल। नहीं, नहीं।
गोली। नहीं सुधा, पहले गोली निकालते हैं फिर तुझसे निपटते हैं। चल अंकुश, क्या किया तुमने, क्या गुनाह किया है बोलो। बैंक लूटा है, दो लोगों को गोली मार दी है जिसमें से एक की मौत हो गई है बैंक के वॉल्ट में। अंकुश नहीं सुधा, सर उन्हें मैंने गोली नहीं मारी। हाँ ये सच है कि मैंने बैंक लूटा, मेरे बच्चे के ऑपरेशन के लिए, पैसों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं, मेरे मालिक से कर्जा मांगा, ओवर टाइम किया, दोस्तों से भी पैसे मांगे, सुधा के सारे गहने बेचे, फिर भी सारा पैसा नहीं जुटा पाया। और तुमने बैंक लूटने की प्लानिंग कर ली। हाँ लूटा मैंने बैंक, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, बच्चे का ऑपरेशन, उसके लिए पैसा, सब वही दिमाग में चल रहा था। वो मंकी मैन का सुना, वो लोगों को डराता है, तो मैंने सोचा कि उसका वेश बनाकर मैंने बैंक लूट दिया तो सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा। लोगों की आंखों में धूल झोंक के 5 करोड़ रुपए लेके भाग गए। 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। कहाँ है पैसे? 5 करोड़? नहीं नहीं सर, 5 करोड़ नहीं, सिर्फ 1 लाख, जैसे मेरे बच्चे का ऑपरेशन शुरू हो जाता, बस उतने पैसे। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम कहते हो कि तुमने किसी का खून नहीं किया, मगर बैंक के वॉल्ट में एक आदमी मरा पड़ा है। तुम कहते हो कि तुमने सिर्फ 1 लाख रुपए लूटे, मगर वॉल्ट में से 5 करोड़ रुपए गायब है। नहीं सर, सर, सर मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तो सिर्फ बंदूक दिखाकर वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से वो वॉल्ट का दरवाजे की चाबी लगाया। गोली उसके शरीर से आर पार होके मेरे कंधे पे लगी। क्या? वो आदमी वॉल्ट में पहले से था और किसी ने उसे पीछे से गोली मारी? हाँ। मतलब गोली उसके पीठ में लगी और सीने से निकलकर तुम्हारे कंधे में लग गई? जी। पर हम लोग उल्टा सोच रहे थे, हमें पता नहीं था कि वॉल्ट में कोई दूसरा आदमी भी छुपके बैठा है। सर अगर दो लोग वॉल्ट में छुपे थे और दोनों साथी में बैंक लूटने आए थे तो फिर एक साथी ने दूसरे को गोली क्यों मारती? कोई बैंक में काम करने वाला उन लोगों के साथ मिला हुआ होगा, क्योंकि वॉल्ट के अंदर जाने के लिए दोनों चाबियों की जरूरत होती है। मतलब सर 5 करोड़ उन लोगों ने लूटे और इल्जाम अंकुश पर आ गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकुश के लूट के प्लान के बारे में उनको पता चल गया हो और उन सब ने इसका फायदा उठा लिया? हो सकता है। अंकुश, बैंक में से तुम्हारी मदद कौन कर रहा था? नहीं नहीं सर, किसी ने नहीं, ये सब कुछ मैंने ही किया। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वॉल्ट की एक चाबी मैनेजर के पास होती है और दूसरी चाबी असिस्टेंट मैनेजर के पास? हाँ बोलो। अंकुश अब सब बता दो, चुप मत रहो, इन लोगों के बहुत एहसान है हम पर, इनकी वजह से हमारा बेटा प्रथम बच जाएगा। सर, सर उसने कुछ नहीं किया, वो तो मुझे बार बार रोकता रहा। कौन है वो आदमी? बलवंत, उसे बैंक में काम करता है, उसी ने मुझे सारी जानकारी दी, लेकिन वो निर्दोष है सर। तुम्हारा दोस्त बलवन निर्दोष नहीं है,
उसे तुम्हारे प्लान के बारे में मालूम था और तुम्हारे आड़ में उसने बैंक के वॉल्ट में से 5 करोड़ रुपए लूटे और तो और उसने अपने साथी को भी मार डाला। ये बलवंत ही दूसरा आदमी हो सकता है जो वॉल्ट में छिपके बैठा था। सर सर क्या हुआ, आपने पूरे स्टाफ को बुलाया, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आपके यहाँ एक गद्दार है। गद्दार और हमारे बीच में? जी, आप ही के एक स्टाफ मेंबर ने लुटेरे की मदद की थी इस बैंक को लूटने में। हमारे बैंक का स्टाफ? हाँ, हमने लुटेरे को पकड़ लिया है। उसका दोस्त है वो बलवंत। कौन है बलवंत? कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? लूट का बाकी पैसा कहाँ है? सर सब मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने लूट की प्लानिंग में अंकुश की मदद की है और उसका फायदा उठा के और पैसे लूट लिए बैंक से। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अंकुश यहाँ से सिर्फ 50,000 रुपए लेके भागा है, बाकी के पैसे कहाँ है? सर मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अंकुश ने हमें सब बता दिया है, तुम ही ने उसे बताया था ना कि वॉल्ट की चाबी किसके पास रहती है? सर उसके बेटे की तबीयत खराब रहती थी और उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने उससे मजाक में कह दिया कि तुम एक काम करो, बैंक लूट लो। अरे वाह रे वाह, बैंक की सारी खबर दे दी उसे, ये मजाक था? सर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा और वो तो बैंक लूटने पर तुल ही गया था। सर मैंने उसे फोन पर समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। तुम्हारे मजाक की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। कल कहाँ थे तुम? सर अंकुश के मन से भी जानकर मैं डर गया था, इसलिए मैंने बैंक से छुट्टी ले ली। और वो आदमी जो वॉल्टू में मर गया था वो कौन था? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानता वो कौन था। ठीक है सर, अगर अंकुश और बलवंत दोनों ही उस मरे हुए आदमी के बारे में नहीं जानते तो फिर किसे पता हो सकता है? सर ये अंकुश मंकी मैन बन के बैंक लूटने आया और कोई दूसरा आदमी भी वॉल्ट रूम में था जिसे वॉल्ट रूम में ही छिपे किसी और आदमी ने गोली मार दी और 5 करोड़ रुपए गायब हो गए। एक ही दिन एक ही समय में दो लूट, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। जरूर कोई जानता था कि अंकुश मंकी मैन बन के बैंक लूटने वाला है और उसी आड़ में उसने बड़ी लूट को अंजाम दे दिया। पर सर बलवंत ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। कोई तो था जिसे मालूम था ये सारा प्लान। दो लोग वॉल्ट रूम में छिपे बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब मंकी मैन वॉल्ट रूम का दरवाजा खोलेगा। एक ने दूसरे को गोली मारी, वो गोली मंकी मैन को भी लगी। उसने तो थोड़े ही पैसे चुराए, उस गोली मारने वाले ने बड़ी लूट कर डाली और फिर लूट और खून का इल्जाम अंकुश के सर डालने की कोशिश की। ऐ तो कोई ये बैंक का ही आदमी जिसने बलवंत और अंकुश की बातें सुन ली। हाँ सर, क्योंकि वॉल्ट रूम को खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सर वॉल्ट रूम की चाबियां तो मैनेजर और बैंक मैनेजर के पास होती है ना? उनके बारे में क्या पता चला? सर कल से उन दोनों पे नजर रखे हुए, लेकिन अभी तो कोई ऐसी बात पता नहीं चली जिससे उन पे शक हो। उनके परिवार वालों के बारे में कोई रिपोर्ट? सर असिस्टेंट मैनेजर शादीशुदा है, अपनी बीवी के साथ रहता है और मैनेजर बैचलर है, उसके घर बस एक काम करने वाली बाई आती है। उस लुटेरे का कुछ पता चला? नहीं, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे है। पर गौरी मेरी नौकरी खतरे में है अब। तुम्हारी नौकरी क्यों खतरे में? तुमने थोड़ी ना बैंक लूटा है। अरे लेकिन सब कुछ हुआ तो मेरी मौजूदगी में ही है ना। हेलो, व्हाट? ओ गॉड, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ऑडिटर्स का फोन आया, बैंक से 5 नहीं 10 करोड़ गायब हुए। क्या? और तुम तो कह रहे थे 5। अरे शुरू में तो गिनती में 5 ही थे, लेकिन अभी ये लोग बता रहे कि 10 करोड़ गायब हुए। गौरी ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।
बहुत बड़ी। अरे सर, साहब आपका नाश्ता। भूख नहीं है साहब, रात से आपने कुछ नहीं खाया, सारा खाना ऐसे ही पड़ा है। कहा ना भूख नहीं है, तुम जाओ यहां से। सुनो, सॉरी मैं तुम पे चिल्लाया, थोड़ा मूड खराब है। कोई बात नहीं सर। हाँ बोलो। क्या, आर यू श्योर कि 5 नहीं 10 करोड़ की लूट हुई? माय गॉड, मैं इन्वेस्टर्स को कैसे जवाब दूंगा? पहले वो खून और अब ये। खैर, तुम कुछ और खबर मिले तो मुझे बताना। इसका मतलब 10 करोड़ की लूट हुई है, 5 करोड़ की नहीं। मैं हूं, चाकू अंदर रखो। नहीं सर, श्रेया ने उस लेडी का फोटो भेजा है जिसने बेहोश होने का नाटक किया था। अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ है? झूठ बोला है तुमने, तगाबाज हो तुम। अपनी औकात में रहो और जबान संभाल कर मुझसे बात करो। हिस्सेदारी में औकात नहीं देखी जाती मैडम। तुमने तो कहा था कि इस लूट में हम बराबर के हिस्सेदार होंगे। हाँ, मैं अभी यही कह रही हूँ। तुमने कहा कि सिर्फ 5 करोड़ की लूट हुई है बैंक में। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 5 करोड़ ही लूटे गए हैं। झूठ, 10 करोड़ की लूट हुई है। क्या बकती हो तुम, सिर्फ 5 करोड़ ही लूटे गए हैं। नहीं, 10 करोड़ है, मैंने मालिक को फोन पर बात करते हुए सुना है। बताओ बाकी के पैसे कहाँ है? तुम पागल हो गई हो क्या? और कोई पैसे नहीं है। फिर मेरे मालिक ने ऐसा क्यों कहा? मैं नहीं जानती। पहले ये चाकू तुम अंदर रखो, शायद तुम्हारे साथ किसी ने कोई खेल खेला हो। किसी ने नहीं, खुद मेरे मालिक ने 10 करोड़ की बात की है फोन पर। हे भगवान, शायद किसने हम तक पहुंचने के लिए ये जाल बिछाया है। क्या? हाँ, शायद पुलिस ने ये जाल बिछाया है और तुम बेवकूफ उन्हें यहाँ तक लेकर आई। कोई चाल वाल नहीं है। गन नीचे। सच यही है कि 10 करोड़ की लूट हुई है। मेरे पति भी यही कह रहे थे। क्या, इसका मतलब हम तीनों के साथ धोखा हुआ है? हाँ जी। देखा, मैंने कहा था ये हमें यही मिलेगा, इसी ने दिया हम सबको धोखा। मनोज, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? जो लूट हुई है ना, उसमें हम अपना हिस्सा लेने आए हैं। मैंने कहा था ना कि आप लोगों को आपका हिस्सा मिल जाएगा, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत? देखो, तुम लोगों को पता है कि हम लोग एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। देखो, हमें जो करना था वो हमने ईमानदारी से किया ना। हमने दोनों वॉल्ट की नकली चाबी बना के तुम्हें दी। इसने अपने मालिक को धोखा दिया और मैंने तो अपने पति की नौकरी दांव पे लगा दी। देखो, हमें पता है तुम दोनों ने बिल्कुल सही अंजाम दिया है अपने काम को। मैंने भी, मैं बेहोश हुई तब सबका ध्यान बटा, तब तुम्हारा वो साथी अंदर गया और तुम दोनों वॉल्ट में जाके छुप गए। हाँ हाँ, मुझे पता है आप सबने बहुत कुछ किया है, लेकिन एहसान नहीं किया है। मैंने भी अंदर छिप कर अपने दोस्त को गोली मारी है ताकि सारा इल्जाम उस मंकी मैन के ऊपर आ जाए। अगर उस दिन मैंने और उसकी बलवंत की बातें नहीं सुनी होती तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। देखो, मुझे मेरा हिस्सा मिले और तुम लोगों को तुम्हारा, मैं भी यही चाहता हूँ। तो फिर दो हमारा हिस्सा, 2 करोड़ रुपए। अरे कैसा 2 करोड़, सबका 1-1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ क्यों, जब बैंक से 10 करोड़ लूटे गए हैं तो सबको 2-2 करोड़ मिलना चाहिए ना। 10 करोड़? क्या
दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कैसा 10 करोड़? बैंक से सिर्फ 5 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। किसने कह दिया तुम लोगों से 10 करोड़? हमने। सीआईडी? काम बखूबी निभाया आप लोगों ने बैंक लूटने के लिए। हाँ पीछे निकल, इसे बाहर ले जाओ, इन सबको बाहर ले जाओ। निशा, बैंक के सीईओ की पत्नी आप? हाँ, तुम सीआईडी वालों को मेरा ही प्लान खराब करना था। सॉरी। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? आपका प्लान बिगाड़ा इसलिए। अगर मेरा ये प्लान कामयाब हो जाता ना, तो फिर मैं और भी बैंक लूटती। तो मनोज तुम्हारे दूसरे आदमी के साथ बैंक के वॉल्ट में पहले से छुपा था, हाँ? अब ये बताओ कि पैसा कब और कैसे गायब किया? और ये मनोज वॉल्ट से जब भाग रहा है, तो किसी ने उसे देखा कैसे नहीं? जब मंकी मैन पैसे लेके भागा तो मनोज भी उसके पीछे भाग रहा है। दिमाग तो बहुत अच्छा मिला है तुम्हें, लेकिन तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया, और सही चीज का गलत इस्तेमाल करने वालों को सजा मिलती है। अब तुम सबको सजा मिलेगी, जेल में सड़ोगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.